ओप्स, ये तो 5 साल के बदकिस्मती वाला श्राप है। ये एक बुरा इशारा है। मुझे पता था कुछ बुरा होने वाला है। तुम क्या बोल रहे हो? ये सिर्फ नमक है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूज़ कहता है 50% दोस्त 5 साल की दोस्ती के बाद ब्रेकअप कर लेते हैं। तुम मुझे भूल जाओगी और फिर मैं अकेला हो जाऊंगा। हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। और मुझे श्राप पर विश्वास नहीं है। मुझे पता है, चलो कुछ खास फ्रेंडशिप चार्म्स बनाते हैं। बढ़िया आइडिया है। वो हमारी दोस्ती को हमेशा बरकरार रखेगी और हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जल्दी करो, चलो चलिए। हाय दोस्तों, क्या आप अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट बनाना चाहते हैं? अपने दोस्तों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हम पहले क्या बनाएंगे? चलो क्रिंकेट नोटपैड से शुरू करते हैं। हम कुछ पेपर शीट को 4x4 और आधे सेंटीमीटर में काटेंगे। ध्यान रखें और जितनी हो सके उतनी शीट्स बनाएं। मुझे रिजल्ट देखने का इंतजार नहीं हो रहा। ये मत भूलना कि कैंचियाँ तेज होती हैं, इसलिए आप किसी बड़े की मदद मांग सकते हैं। सीओ, मेरे पास बेहतरीन आइडिया है। मुझे लगता है ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा और मुझे इन पेपर के टुकड़ों की जरूरत पड़ेगी। ये देखो, होली कनोली, ये हाथ बहुत प्यारे हैं। मुझे उनकी जरूरत है। सैम, सैम ध्यान से प्लीज। और फोम पेपर कहाँ है? तुम इस बारे में बात कर रही हो? बिल्कुल, शुक्रिया। चलो आउटलाइन बनाते हैं, फिर हम इसे काट लेंगे इस तरह से। और बढ़िया, चलो देखें। हमारे पास एक पिंक और ब्लू हार्ट है। बढ़िया कॉम्बिनेशन है। हमें दो ओपनिंग्स बनानी है। सामी, ये देखो। मुझे ध्यान से देखने दो। इनसे देखने के लिए ये कुछ ज्यादा छोटे नहीं है? वो इसलिए नहीं बने हैं, हमें यहाँ और ओपनिंग्स की जरूरत है, वरना हम सारी शीट्स को एक साथ नहीं लगा पाएंगे। इस तरह। हाँ, कटर शार्प है, ये मत भूलना। हाँ दोस्तों, हमेशा अपनी उंगलियों का ध्यान रखें। और हमें ये मिलेगा। अब उन्हें जोड़ने का समय है। सही कहा, चलो उन्हें जोड़ते हैं। हाँ जाहिर है, ये ऐसे नहीं रहेगा। और तुमने खुद मेरी बात साबित कर दी। हमें थ्रेड चाहिए। मुझे अच्छे से याद है, मैंने उन्हें यहीं रखा था। तुम इसे ढूंढ रही हो? हाँ, शुक्रिया। ये मजेदार था। अब हम थ्रेड को एक ओपनिंग से दूसरे में डालेंगे। मैं मदद करना चाहता हूँ, मुझे कुछ करने दो। चलो भी सामी, शांत हो जाओ। और अब मैंने ध्यान दिया, हम एक छोटी सी चीज भूल रहे हैं। हमें इसे कैसे भी सजाना होगा। नोटपैड के कवर पर हमेशा पिक्चर होती है। सही कहा, चलो फेस बनाते हैं। सामी, तुम्हें छोटी सी चीज कैसी लगी? ये बढ़िया है, मैं इसमें अपनी स्टोरीज लिखूंगा। एक बार की बात है, सामी और शिव नाम के दो सबसे अच्छे दोस्त रहा करते थे। यही तो तुम्हारी खासियत है सामी। मेरा फेवरेट मग कहाँ है? शांत हो जाओ सामी, चलो इससे BFF मांग सकते हैं। हमें डिग्रीजर से मग को साफ करना है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सामी, तुम ठीक हो? मैं कहाँ हूँ सीव? इस बात को छोड़ो, मग पर कुछ ड्रॉ करना सबसे बढ़िया होगा। ड्रॉ? ठीक है, पर क्या सीव? जल्दी मत करो, बस ड्रॉ करो। ठीक है, मैं बढ़िया आर्टिस्ट हूँ, शायद एक दिन मेरी पिक्चर लूव में होगी। बहुत अच्छी बात है, मैं भी कुछ ड्रॉ करूंगी। वाह, ये देखो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था एक मग ऐसा बन सकता है। वैसे मेरे पास भी कुछ है। बढ़िया, ये दोनों अच्छी तरह मैच कर रहे हैं। तुमने ये ड्रॉ करना कहाँ से सीखा? तिबिदाबा में एडवेंचर के समय। मुझ में और पीछे पे टैलेंट है, पर अभी चाय का समय है।
मैं ये वाला चुनूंगा सेव। ठीक है, फिर ये वाला मेरा होगा। तुम यहाँ हो, अब चलो कुछ खास प्लेट्स बनाते हैं सिर्फ दोस्तों के लिए। पर मुझे यहाँ कोई प्लेट्स नहीं दिख रही, तुमने उन्हें कहाँ छुपाया है? तुम मुझसे सिर्फ मजाक कर रही हो। शांत हो जाओ सामी, मैंने कुछ नहीं छुपाया। हम प्लेट्स खुद बनाएंगे और हम इससे पैनकेक जैसा कुछ बनाने से शुरू करेंगे। हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, वरना अगर प्लेट ज्यादा पतली हुई तो टूट जाएगी। मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आया सीव, तुम कुक करने वाली हो? मुझे नहीं लगता ये खाने लायक है। नहीं, चलो बाद में कुक कर लेंगे, यहाँ पिज्जा ऑर्डर कर लेंगे। चलो अपनी फ्यूचर प्लेट्स के शेप को काटते हैं। कटर को ध्यान से चलाएं दोस्तों। पर मुझे उनमें से एक ही दिख रहा है, क्या मुझे प्लेट्स नहीं मिलेंगी? तुम अपनी बेस्टी के बारे में भूल गई? सब्र रखो सामी। अब ये देखो, हम इस हार्ट से हम दोनों के लिए प्लेट्स बनाने वाले हैं। हॉप हॉप और हॉप, हम दोनों के लिए एक जैसा हार्ट, जैसी हमारी दोस्ती है। मुझे लगता है तुम्हें इन प्लेट्स के लिए कुछ अच्छे किनारे बनाने होंगे और मैं सिर्फ देखूंगा, क्योंकि त्रिविदा ने सिखाया है कि हमें कभी पता नहीं चलता कि हम प्लेट से क्या कर सकते हैं। सामी तुम बहुत होशियार हो, जाहिर है हमें उसे बेक करना है। सिर्फ 30 मिनट और सब तैयार है। उम्मीद है तुम अगले स्टेप के लिए तैयार हो। चलो अपनी प्लेट्स को थोड़ा सजाते हैं। हमारे पास सबसे अच्छी प्लेट्स होंगी। ऐसी चीजें मैंने सपनों में देखी थी और मुझे यकीन है तुमने भी देखा है। ये नहीं हुआ? हाँ सामी, लगभग हो ही गया। बस एक और एडिशन और हो गया। स्नप, ओप्स, एक और। बढ़िया, ये मेरी नई ट्रिंकेट के लिए अच्छी जगह है। ये यहाँ जाएगा और थोड़ी सी ज्वेलरी यहाँ पर। बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, इसे कोई नहीं बदल सकता। पर ये अभी भी नहीं बना दोस्तों। आज मैं तुम्हारा वेटर हूँ और मैंने तुम्हारे लिए खास ड्रिंक तैयार की है। कितना कमाल का वेटर है। पर मुझे अभी भी नहीं पता ऊपर इंस्क्रिप्शन कैसे लगाते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सबसे जरूरी चीज तैयार है, अब हमें हैंडल की जरूरत है। तुम वहाँ क्या लिख रही हो? कुछ लेटर्स? ये तुम्हारी दोस्ती के बारे में बताएगा। मैं तुम्हें एक और हिंट दूंगी। I love you. तुम मुझसे प्यार करती हो? बिल्कुल करती हूँ सामी। कटर को संभाल कर चलाना। मुझे उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास जादू है। वाह ये देखो, चलो हमारी नई फ्रेंडशिप चार्म का टेस्ट लेते हैं। ये देखो सामी, तुम्हें पसंद आया? अब मैं कॉफी का सबसे बड़ा दीवाना हूँ, मजा आया की कसम। सीयू, क्या तुम मेरे लिए भी एक और कप बना सकती हो? जरूर, इसे वापस बनाना आसान है। कॉफी का समय है। पक्का स्वादिष्ट लगेगा। हे भगवान, ये बहुत बुरा है। सामी क्या हुआ? हम तो रॉजर के बारे में भूल ही गए, उसे भी फ्रेंडशिप चार्म देना होगा। मेरे पास एक आइडिया है, हम रॉजर के लिए गिफ्ट बनाएंगे। एक मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। क्या गिफ्ट? ये देखो सुंदर पिक्चर है ना? पर तुम इनका क्या करोगी? मैं इसे रॉजर को गिफ्ट के तौर पर नहीं दूंगा। देखो और सीखो, जब हम बना लेंगे तब तुम समझ जाओगे। ये पहला स्टेप है, ध्यान से, कैंची तेज है। सेव, मैंने पहले ही दूसरे पिक्चर काट लिए हैं। अब हमारे पास टी शर्ट प्रिंट्स के लिए दो पीसेस हैं। हमें प्लास्टिक रैप की जरूरत है, पर मैं इसे सुलझा नहीं पा रही। कोई बात नहीं सेव, ले लो। शुक्रिया सैम। इसके बाद हम सब सही करने के लिए पिक्चर को प्लास्टिक रैप से प्रोटेक्ट करेंगे इस तरह। मुझे अभी भी समझ नहीं आया, क्या ये नीचे नहीं गिरेगा या शायद हम फिर पिन लगा देंगे? थोड़ा सब्र रखो, मैं तुम्हें क्राफ्ट मैजिक दिखाती हूँ।
नहीं, रैप ने पिक्चर को टी शर्ट पर रहने में मदद की है। जब तक तुम आयरन कर रही थी मैंने ये कर दिया, देखो। ओह, रॉजर को ये पसंद आएगा। मैं इस पर खुद को प्रेजेंट करने वाला था और वो भी अभी। ओह सामी, तुम बहुत बेचैन हो। मैं सोच रहा हूँ अगर शिव ने मुझे देख लिया तो आराम से, आराम से। हे साम। शिव, तुमने मुझे डरा दिया। वो मुझे दो। मुझे और गिफ्ट्स बनाने के लिए इस चॉकलेट की जरूरत है। मुझे पता है इन्हें और बेहतर कैसे बनाना है। चलो चॉकलेट बार्स के लिए गिफ्ट रैप बनाते हैं। सबसे पहले इसे हटाओ। शिव, मुझे कुछ समझ नहीं आया। हमने अभी अच्छे से शुरू नहीं किया। मैंने सब्र बांधा हुआ है, साथ ही मेरे पास और चॉकलेट है। मैं जा रहा हूँ। हमारे पास यहाँ दो ड्रॉइंग्स हैं और मार्कर से ये और विजिबल हो जाएगी। विजिबल? तुमने भूत बनाया है, मुझे नहीं लगता सभी को ये पसंद आएगा। उम्मीद है ये ब्लैक और व्हाइट नहीं रहेगा। चिंता मत करो, हम इसमें ब्राइट कलर्स मिलाएंगे। ये सभी के लिए बढ़िया गिफ्ट होगा। यम्मी रैप पे चॉकलेट बार। और ये रहा रिजल्ट, पर मुझे नहीं लगता बैकग्राउंड बढ़िया है। अब बढ़िया है। अब चलो अपने चॉकलेट बार को रैप करते हैं। सेव, तुम्हें पक्का डबल साइडेड स्कॉच टेप की जरूरत पड़ेगी। ये हमारी काफी मदद करेगा। सेव, हम इसे पूरा करने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पसंद आया। मैं बहुत खुश होंगी अगर कोई मुझे ये दे। क्या होता अगर तुम्हें ऐसे दो मिलते सेव? फिर मैं दो गुना ज्यादा खुश होती। अब अपने क्राफ्ट पर एक नजर डालते हैं। आज हमने मिलकर बहुत बढ़िया काम किया है। अपनी दोस्ती को दिखाना बहुत जरूरी है। सेव, ये बढ़िया है। हमारी फ्रेंड्स और टी-शर्ट और खास करके चॉकलेट। मैं थक गई। हमारे गिफ्ट को एक लाइक दे और अपने दोस्तों को भी कुछ ऐसा ही दे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो अपना एडवेंचर बरकरार रखते हैं।